बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाले नहीं नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल, ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडियाज को करेंगी पिच ताकि उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोतीबाग में। देखते हैं आज किन बच्चों का आइडिया मारेगा बाजी और जजेस कितनी इन्वेस्टमेंट करने को होंगे राजी। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मनीष सिसोदिया। नीरज एक टेक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस में और बर्कली कैलिफोर्निया से किया है एमबीए। इनके नाम 13 US patents हैं। आईएम लखनऊ पास आउट तान्या ने अपना करियर शुरू किया था आईबीएम और टाटा ग्रुप के साथ और फिर अपनी बहन के साथ मिलकर शुरुआत की फैशन ब्रांड सूता की। तो आज सबसे पहले आ रही है वो टीम जिनके आइडिया से कपड़े सिलवाने हो सकते हैं बहुत ही आसान, ये है टीम सिलाई मित्र। 10 बच्चों की इस टीम ने अपने बिजनेस का हुनर दिखाया एक टेलर सर्विस ऐप सिलाई मित्र डेवलप करके। ये एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आपको घर बैठे अपने एरिया के बेस्ट टेलर से वाइड वैरायटी ऑफ लेडीज ड्रेसेस सिलवाने का मौका मिल जाएगा। सिलाई मित्र टीम की लीडर्स अफीफा और गुलनाज को यह आइडिया तब आया जब दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई और उन्हें मिला सीड मनी जिससे इन्होंने सिलाई मित्र ऐप डेवलप किया। सिलाई मित्र ऐप खोलते ही उसमें सबसे पहले आपको ड्रेसेस की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। हर ड्रेस पर प्राइसेस की एक रेंज सेट होती है। कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने के बाद सिलाई मित्र के टीम मेंबर उन्हें पिक एंड ड्रॉप के साथ फिटिंग मेजरमेंट्स की सर्विसेज भी देंगे। अफीफा और गुलनाज ने अपने ऐप के लिए फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स भी सोचे हैं। देखते हैं बिजनेस ब्लास्टर्स के स्टेज पे सिलाई मित्र की टीम जजेस को इम्प्रेस कर पाती है या अभी भी उनके आइडिया को अपग्रेड करने की जरूरत है। Hello. Hello. हमारा स्टार्टअप सिलाई मित्र है। मेरा नाम अफीफा है एंड आई एम द टीम लीडर। आई एम गुलनाज, आई एम द हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आई एम ध्रुवी फ्रॉम कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। आई एम असगर अली एंड आई एम इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर 11। वी आर इन 11। तो सिलाई मित्र क्या करता है? सर सिलाई मित्र एक कस्टमाइज्ड टेलरिंग ऐप है जो आपको आपके डोरस्टेप पर क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी। आपने टेलर्स के साथ भी कुछ MOU कुछ वो कर रखा है? सर राइट नाउ वी हैव 6 टेलर इन आवर कॉन्टैक्ट। और आप चार्ज क्या करते हो फिर? सर जैसे एक सूट का प्राइस 350 है क्योंकि अभी ये इनिशियली सिर्फ विमेंस के लिए है, मेन एंड किड सेक्शन हम आगे इंक्लूड करेंगे। अच्छा। तो ये 350 में हमने टेलर से बात कर ली है, 20% वो छोड़ेंगे, 280 वो लेंगे चार्जेस। हम इसमें 5% ऐड करेंगे चार्जेस जो 25% टोटल हमारा मार्जिन होगा। कस्टमर से 370 रुपीज लेंगे। 350 क्यों बेसिक रखा है? आजकल के टेलर्स इतने सस्ते में कोई नहीं बनाता। क्योंकि हमारा मेन फोकस विमेन है। सर वो होममेकर्स हैं जो ट्रेंड है, वो मार्केट में नहीं है। ओके, सो जो टेलर है वो एक्चुअली मार्केट में नहीं बैठे हैं। जी सर, इसलिए हमने थोड़े प्राइसेस को कम रखा है ताकि हर कोई रीच आउट कर सके और अफोर्डेबल प्राइसेस पे डोरस्टेप सर्विस को ले सके। ओके, बट हैव यू कंसीडर्ड कि आप पेट्रोल खर्चा होगा, फोन कॉल करेंगे उसका खर्चा होगा, आने जाने का, यू हैव कंसीडर्ड दोस? कंक्रीट परीक्षित बताओ कि कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा, मतलब ट्रेडर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं।
Sir, our team has done market survey, which was responded by 600 people. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है तो कोई क्यों नहीं आएगा आप पे? गुड, आपको जो पैसा मिला है वो दिल्ली सरकार के सीड मनी से मिला है? जी सर। कितना? सर 20,000। और ये कहाँ खर्च कर रहे हो आप? अराउंड 12,000 जो होगा हमारा वो ऐप डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, जिसमें से 2,000 उसका रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है गूगल प्ले स्टोर पर, एंड 4,000 का बजट हमारा मार्केटिंग का होगा उसमें, जिसमें हम लोग पैम्पलेट्स वगैरह छपवाने वाले हैं और गूगल एड्स के सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने वाले हैं हम सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करने। अभी एग्जैक्टली आपका ये प्रोजेक्ट किस लेवल पे है? सर हमारा जो ऐप है वो ऑलमोस्ट रेडी है, वी विल स्टार्ट मोर मार्केट मोर एडवर्टाइजिंग इट ऑन सोशल मीडिया इन आवर नेबरिंग स्कूल्स। आप लोगों ने सीड मनी का इस्तेमाल एक ऐप बनाने और उसको लॉन्च करने की तैयारी के लिए कर लिया है? यस सर। तो ये क्यों सोचा कि जब सरकार ने आपसे कहा कि आप अपना कोई बिजनेस आइडिया लेके आइए? एक फेस्टिव सीजन था तो सर मैंने ऐसे एस्टैब्लिश टेलर्स को रीच आउट करने की कोशिश की जो ड्रेस टाइम पर स्टिच करके दे दें, ऐसे कोई टेलर्स नहीं मिल पाए। तब सर एक स्किल्ड होममेकर जो ट्रेन थी स्टिचिंग में, पर वो मार्केट में नहीं आ पा रही थी बिकॉज इन पर रिसोर्सेज और वो टैक्सी भी नहीं थी, उन्होंने मेरी ड्रेस स्टिच करके दी टाइम पर। सर ये आइडिया तब आया कि मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन्स, ये आपने मार्केट में एक गैप देखा और उसका सोल्यूशन निकाला। आपने क्वालिटी के बारे में क्या किया? मैम कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। ऑल आवर टेलर्स आर वेल एक्सपीरियंस, मोस्टली 5-6 ईयर्स वाले हमारे सारे एक्सपीरियंस टेलर्स हैं। पर आपको अभी इसको लॉन्च करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा स्केल अप करने के लिए कोई बिजनेस प्लान है तो आप इनको बेच सकते हैं आइडिया? हमें इन्वेस्टमेंट की डिमांड थी 1 लाख रुपीस, तो सर उसमें अभी जो हमारा ऐप होगा वो अभी बिल्कुल एक बेसिक स्टेज पर है। 50,000 हमारा ऐप डेवलपमेंट में स्पेंड करने वाले हम, बाकी सर जो 20% होगा वो हम अपना मार्केटिंग में बजट रखने वाले हैं, क्योंकि मार्केटिंग तो अभी बहुत ज़रूरी होगी क्योंकि अभी हमारा ऐप बहुत न्यू है मार्केट में, एंड 20,000 हम रिजर्व मनी में रखने वाले हैं। इन फ्यूचर अगर होता है कस्टमर अनसेटिस्फाई रहता है हमसे तो हम उसमें से हेल्प ले सकते हैं हम रिजर्व मनी से, एंड 10% में सर हम रीजनल कोऑर्डिनेटर्स को हायर करने वाले हैं डिफरेंट लोकेलिटीज से। व्हाट आई फाइंड ऑड इज के इस पूरे बजट में 50,000 ऐप पे जा रहा है, जबकि काफ़ी रिसर्च आपको बता सकती है कि लोग ऐप्स डाउनलोड नहीं करते इतनी। डू यू हैव अ पिक्चर कि आप 2 साल में कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कितना बड़ा होगा आपका कंपनी, रेवेन्यू कितना होगा? अभी वुमेन सेक्शन है, मेन एंड किड सेक्शन इंक्लूड कर देंगे एंड ड्रेस डिजाइनिंग हम इंक्लूड करेंगे। वी विल वेंचर इनटू स्कूल यूनिफॉर्म्स। हम अनस्किल्ड होम मेकर्स जो हैं बट वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उन्हें इंक्लूड करेंगे, उन्हें पहले टेलर्स से सिखवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे उन्हें, एंड देन वो मास्टर कटर के अंडर ताकि परफेक्शन आए तो वो काम करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट यू विल हैव अ मास्टर कटर एंड देन आप लोग अपस्किल भी करेंगे, वेरी नाइस। अगले 10 कस्टमर आपके कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? सर एक कस्टमर आता है तो सर अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो 10 को लाएगा। वेरी नाइस। सो आई वुड लाइक टू फंड योर आइडिया। आई वुड फंड 75,000 फॉर नाउ, एंड इफ आई सी दैट इफ यू आर डूइंग रियली वेल एंड आगे चल रहा है ये, देन वी वुड लव टू फंड मोर। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऑफर यू मेंटोरिंग बिकॉज हमारा भी वेबसाइट है एंड हम भी ऐप डेवलप कर रहे हैं, हमने अभी तक किया नहीं है, सो वी कैन मेंटोर यू अबाउट दैट। हम लोग टेस्टिंग भी तुमको गाइड कर सकते हैं। सिलाई मित्र, आई लव योर कॉन्फिडेंस, इट्स अमेजिंग। दिस इज अ गैप इन द मार्केट दैट यू गाइस हैव फिगर्ड आउट। सो तानिया इज कमिटेड 75,000, आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द 25,000। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे 11वीं क्लास के बच्चे घर में बैठे हुए लोगों को, खासतौर से उन महिलाओं को जिनको सिलाई आती है, काम देने निकल पड़े हैं, रोजगार देने निकल पड़े हैं और अपना भी रोजगार उसमें से देख रहे हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अफीफ और गुलनाज से हुए हमारे इन्वेस्टर्स इंप्रेस, तभी तो सिलाई मित्र को मिली है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट। दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन सिलाई मित्र टीम। It's like a big achievement for us to get this investment. It's a boost for our business. I hope we do the responsibility we got all well and do it properly. Silai Mitra is a very simple idea, but it is solving a lot of challenges that day-to-day people face, that is finding a tailor. I think with a little bit of nudge and push,
this can go really big, not only in Delhi, but across India, it can be a massive plan. ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने वाला ऐसा प्रोग्राम जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और अब आपके सामने आ रही है टीम नंबर टू, टैप एंड ड्रॉ, जिनकी क्रिएटिविटी स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स दोनों ही काबिले तारीफ है। टीम टैप एंड ड्रॉ आर्टवर्क प्रोवाइड कराती है और इनकी एक्सपर्टीज है पोर्ट्रेट स्केचेस बनाना। टैप एंड ड्रॉ टीम के लीडर अभिषेक को बचपन से स्केचिंग पसंद है। इन्होंने 9 स्टैंडर्ड से ही अपनी स्केचिंग का यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था। वो शुरू से ही अपने इस पैशन को करियर की तरह देखते हैं। इसीलिए जब दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत बच्चों को सीड मनी मिलने वाली थी तो अभिषेक ने एक ग्रुप बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्केचिंग और पोर्ट्रेट्स का बिजनेस आइडिया पिच करेंगे। इस आइडिया को सीड मनी मिली और अभिषेक को अपने टैलेंटेड दोस्तों का साथ और बन गई टीम टैप एंड ड्रॉ। इस टीम में अभिषेक और साक्षी स्केचिंग करते हैं, राहुल रॉ मटेरियल का इंतजाम करता है और मयंक हैंडल करता है सोशल मीडिया। टीम में उस मेंबर को काम का 20% कमीशन मिलता है जो ऑर्डर लेकर आता है। अभिषेक का ड्रीम है अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिली तो वो टैप एंड ड्रॉ का एक आर्ट स्टूडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं जजेस इनके स्केचेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कितना इंप्रेस होते हैं और उन्हें कितने का इन्वेस्टमेंट देते हैं। Our startup is Tap and Draw. We deals in artworks, briefly portraits, pen art, sketches, mandala art, Madhubani paintings. My name is Mayank Shukla. I do the management and accounting work in the company. I am Sakshi and I am an artist. This is Vishesh Soni and I am an artist of this group. My name is Raul Kumar and I handle social media and delivery work. कौन लोग आपके customers हैं? We get customer from referrals and they get 20% commission. We are usually present on social media, on Instagram, YouTube channel. We get up orders from there also. कितना profit हुआ? Sir, 26,125 apart from seed money. 4,000 रुपए के investment से आपने 26,000 रुपए कमाए. Yes, yes, sir. So, is it the profit or the revenue? Ma'am, it is the profit. The revenue is 30,125 rupees, cutting the expenses. So this 30,000 revenue, how many customers? Sir, 25. Sir, 25 plus. So these are custom designs. So कोई उसके taste के हिसाब से आप लोग बनाते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोई कोई जो family की बनवाता है, अब उसके पास पूरी family की photo नहीं होती. तो जैसे कि उसके अंदर काफी सारे orders भी हैं जो family वाले कहते हैं कि भाई ये वाली photo है, इन तीनों मिक्स करके बन जाएगी. So पूरा customize करके उन तीनों मिलाकर जैसे वो बोलते वैसे बना देते फिर हम. But how are you pricing it? Ma'am, pricing depends on 3 factors. Like the frame cost, the paper cost, the pencil. Number 2, the cost of the labor, the artist cost. Number 3, company profit. Because we are also giving commission, like that painting in front of you, which you are holding. It's of 625 rupees. The split up is 125 is the material charge, 200 is the artist charge, 300 is the company charge. Good calculation, good, because good. Sometimes people miss out on putting the time and effort one person is putting. So I was actually wondering that aap log ka scale up ka kya plan hai? Directly we can't contact to a lot of people. Internet is the way. So ab humne socha kya hai ki we would have one website, like aap tino buyers hain. You would have custom options over the site aur wo cheez hum aapko denge. Ab jo second tarike se company kaam kar rahi hogi, we would hire artists in our company. Ab jaise kai sare bahar se order aa rahe hain to sabse pehle to we would jo company mein artists hain unko denge. If they are busy in some work to wo app openly available hogi bahar jitne bhi artists hain. Is tarike se hum un logo ka bhi employ kar rahe hain. To do artists ke sath aap kitne revenue tak ja sakte hain? Do artists ke sath sir hum kitne pe aa gaye hain aap wahi dekh lijiye. Abhi aapko do logo ke sath hi chalana hai business. And you got more orders than you can handle. How would you allocate your time? Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. You we already have. Yes, yes, ma'am. Ma'am ने orders दिए हैं. घर वालों की सहमति है या घर वालों को लगता है कि ठीक है? सर मेरी फैमिली की तरफ से तो पूरी फ्रीडम है. वी आर जस्ट स्कूल स्टूडेंट्स, हम लर्निंग स्टेज में हैं, हमारे पास कोई अभी लाइबिलिटीज नहीं है. वी अगर हम फेल भी होते हैं तो वी वुड जस्ट लर्न, और उसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा. फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ में दोनों इन्वेस्टर्स बिजनेस पर्सन हैं जो अगर आपके आइडियाज उनको अच्छे लगे तो हो सकता है वो आपके साथ इन्वेस्ट करें. वी वुड लाइक टू ग्रो आवर स्टार्टअप एज अ बिग कंपनी, बट आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड. आजकल इतने फ्री एप्स है, मैं अपना फोटो अपलोड करूंगी, वो ना नेचुरल जैसे पेंटिंग होता है ना, वाटर कलर बन जाएगा, कभी स्केच बन जाएगा, इट विल जस्ट कम
एंड इट लुक्स ओरिजिनल, व्हाई विल आई नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन जो कि सस्ती है, इजी है? आई एम डाउटफुल. व्हाई डू यू थिंक पीपल विल कम टू यू? आप कभी किसी पार्क में जाइए या फिर कोई भी इंसान वहाँ बैठ के एक प्रिंटर रखा हुआ है, वो तो आपकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है और प्रिंट कर रहा है, तो आप देखिए कि आपके अराउंड कितने लोग हैं. बट मैं एक्चुअली खुद गया था, मैं पार्क में गया, पार्क में स्केचिंग करी, सामने थी मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लोग मेरे आसपास थे. तो मैं एक्चुअली जो लोगों ने हैंडमेड ज़्यादा चीज़ पसंद आती है. गुड दैट यू हैव कन्विक्शन अबाउट योर आइडिया एंड पीपल वुड रियली लव समथिंग लाइक दिस. यस मैम. So going forward, how would you grow your business? Ma'am, first off we need investment. Second off we need contacts. Abhi like shaadiyon ka session hai, to log presents to dene hi jayenge. So we could get a lot of artworks. So instead of buying something jo ki usual, you can buy something unique, jo ki koi aur nahi de raha hoga. So basically you're looking for more orders. Yes ma'am. 6 mahine mein. Yes ma'am. So how much money do you guys want? Sir, for 6 months, approximately, I would say 60,000 rupees. 20,000 for the web development. Mm-hmm. Around 15,000 for the AdSense. 15,000 nearby for the materials. Just now you said that you get orders easily from Instagram. Yes, sir, ma'am. And Facebook. Yes, ma'am. Why do you want to invest in a website? On Instagram, we have a limited of sources. Like, आप सिर्फ अपना पोर्ट्रेट दे सकते हो या फिर हम सब चीजें नहीं बता सकते. You would want to show what all you have, like a portfolio on the website. Like a portfolio, and अगर आपको कस्टमाइज भी करना है तो कस्टमाइजेबल टूल्स रखेंगे हम उस पे. जो कस्टमर्स को लेके आएंगे ये मोस्टली डिजिटली आएंगे कि आप लोग फीट ऑन द स्ट्रीट आप लोग ऑर्डर्स लेने भी जाएंगे? डिजिटली भी और बोथ मोड. बोथ मोड. सो लेट्स कम टू द अदर मोड. उसमें कैसे आप ऑर्डर्स लाएंगे? सर उसमें हम अपने जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक वी ऑल हैव व्हाट्सएप, तो हम सबको बोल देंगे कि लाइक आप ऑर्डर ला के दीजिए, आपको 20% वो मिलेगा. आई थिंक दैट यू ऑल नीड अ लॉट ऑफ मेंटोरिंग. यस मैम. सो आई वुड ऑफर मेंटोरशिप टू यू ऑल टू टेक योर बिजनेस अहेड. वी हैव अराउंड 5 lakh फॉलोअर्स, सो वी वुड वॉन्ट टू हेल्प यू इन स्प्रेडिंग द वर्ड एंड ऑल्सो प्लेस एन ऑर्डर विथ यू ऑल अराउंड 100 पेंटिंग्स. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Yes. Okay, perfect. So 100 orders short for now, I'm promising. And I would help in branding for sure. From my side, I am not completely on board yet ke aap log isko kaise, agle 6 mahine mein aapka plan kaise, how will it execute? So she will help promoting, I'll help you with 25,000 of material. So I'm committing 25,000, she's promoting your business and giving you paintings. Orders. Giving orders also, right? 100 or 100 paintings. बहुत बढ़िया, very good. कोई सरकार 60 करोड़ रुपए देके अपने 3 लाख बच्चों को कह रही है कि अपने स्टार्टअप बनाइए, और वो स्टार्टअप बना रहे हैं, आप जैसे बच्चे स्टार्टअप बना रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है फिर आप अपने जैसे बहुत लोगों को नौकरियाँ दे रहे होंगे और उसी से आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. ग्रेट वर्क, थैंक यू वेरी मच. टैप एंड रॉ को इन्वेस्टमेंट भले ही 25,000 की मिली हो, पर इन्हें एक साथ 100 पेंटिंग्स का ऑर्डर भी मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. With great powers come great responsibility. Same is the case here. Like we got the order, that is something of happiness. But now as a team, it's our responsibility to build the credibility in their eyes कि उन्होंने एक सही कंपनी में इन्वेस्ट करा है, so that in near future they may refer our company to their known people, friends, relatives and colleagues. To me, this has a great potential. Obviously, it's got a very manual side to it, which could be scaled by bringing more people, more artists into the community. But I think overall it meets an unmet demand, that's for sure. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स, और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया. इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल. अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से. अब मिलते हैं आज की तीसरी टीम से, जो अपने कस्टमर्स को कुछ हटके पिलाते हैं और उसी से कमाते हैं. लेट्स सी ये हमारे जजेस को कितना इम्प्रेस कर पाते हैं. सूफी और उनकी टीम बनाती है एक ऐसा पाउडर जो टेस्ट और दिखने में हूबहू कॉफी की तरह है, पर इसका ड्रिंक है कैफीन फ्री,
ये पाउडर बनता है डेट्स यानी खजूर के बीजों से। दरअसल टीम लीडर सूफी के दादाजी कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे, इसीलिए डेट्स खाने के बाद बीज का भी पाउडर बनाते थे जिसे दूध के साथ पिया जाता है और उसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसीलिए जब दिल्ली गवर्नमेंट का बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हुआ लॉन्च तो सूफी ने सोचा कि क्यों ना अपने इस फैमिली रेसिपी को ही अपना बिजनेस बना लिया जाए। सूफी ने अपने फ्रेंड्स जोड़कर मिस्टिक डेट्स नाम की एक टीम बनाई जो कहीं से ड्राई डेट्स का इंतजाम करती और फिर उसके सीड से पाउडर बनाती है। पर धीरे धीरे इन्हें रियलाइज हुआ डेट्स लाना अपने आप में एक महंगा प्रोसेस है, इसीलिए मिस्टिक डेट्स ने बात की उन कंपनी से जो डेट्स को यूज करके प्रोटीन पाउडर बनाती हैं। अब वो कंपनी से कम दामों में डेट्स के सीड्स लेते हैं, फिर उन्हें अच्छे से पीसा जाता है। मिस्टिक डेट्स ने अपने प्रोडक्ट्स का लैब टेस्ट भी करवाया है जिसमें ये साबित हुआ है कि इस पाउडर में कैफीन नहीं है। और इस टीम की मेहनत रंग भी ला रही है क्योंकि ड्रिंक लोगों को पसंद आ रही है, तभी तो मिस्टिक डेट्स अब तक करीब 100 किलो पाउडर बेच चुका है। पर आज ये देखना होगा मिस्टिक डेट्स के बिजनेस का स्वैग इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा या नहीं। लेट्स सी। आप नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे स्टार्टअप का नाम मिस्टिक डेट्स है और ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है। मेरा नाम सूफी है और मैं इस टीम का लीडर हूँ। मेरा नाम वर्षा है और मेरा काम सेलिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखना है। मेरा नाम यश है, मेरा काम सेल्स मार्केट एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को देखना है। मेरा नाम हिमांशु है, मैं इस टीम का रॉ मटेरियल प्रोवेंसर हूँ। आपको कितने पैसे मिले सरकार से? 10,000। क्या है ये आइडिया मिस्टिक डेट्स, क्या है थोड़ा सा और बताओ अपने बारे में। सर ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है, ये कॉफी जैसा स्मेल टेस्ट और ओडर इसका बिल्कुल कॉफी की तरह ही है और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी केमिकल और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। शुगर भी है? शुगर नहीं है, शुगर बिल्कुल बिलो लेवल पे है। ओ स्मेल्स लाइक कॉफी, वाओ वेरी कॉफी जैसी है। टेस्ट लाइक कॉफी आल्सो इज इट? यस सर। दिस इज नॉट कॉफी? नो सर। सो गुड, वाओ पक्का। सर आप लैब रिपोर्ट भी देख सकते हैं। हां मैं लैब रिपोर्ट आपकी देख रहा था, इसमें लिखा है कैफीन फ्री। पी के देखें हम? यस मैम। स्मेल्स लाइक कॉफी? यस। वाओ। सो मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है। यस सर। एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। थैंक यू सर। तो आइडिया कहां से आया? मेरे ग्रैंडफादर जो थे, चीजें जो है वेस्ट करना पसंद नहीं था, तो हमारे घर में जब छुआरे या खजूर आते थे तो उनके वो बीज जो बच जाते थे तो उनसे ये कॉफ़ी पाउडर, ये जो हमारा मिस्टिक पाउडर है, वो बनाते थे और वो पीते आ रहे हैं बहुत दिनों से। उसको आपने, जब सरकार ने आपको बोला कि अपना बिजनेस आइडिया लाइए, तो आपके दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस आइडिया में कर रहे हैं। वाओ, वेरी वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो मार्केट में पहले से मिलता है क्या ये पाउडर? नो सर। कॉफ़ी पीने वालों को आपने एक ऑल्टरनेट दे दिया है? yes, कि कैफीन मत पीजिए। yes, yes, हेल्दी रहिए। एक चीज बताइए, 11th क्लास में बच्चे तो जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, आप मिस्टिक डेट बनवा रहे हो? सर हम बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। आपके यहाँ बिजनेस होता है? सर नहीं, घर में तो नहीं होता। आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर ड्राइवर हैं एक्चुअली। वेरी गुड। आई थिंक बिजनेस ब्लास्टर EMC प्रोग्राम शुरू करने का हमारा मकसद तो पूरा हो रहा है, लेकिन एक बड़ा मकसद है फिर। यस सर। आप सब लोगों के दम पर एक बहुत बड़ा सपना देखा है हम लोगों ने। आज दिल्ली के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3,54,000 रुपए है। yes, हम लोगों ने सपना देखा है कि आज़ादी की 100वीं सालगिरह के भारत पर देश की राजधानी में पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। कई लोग मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का कि ऐसे कैसे हो सकता है। yes, पर जैसे आप नया कर रहे हो वैसे हम भी नया करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चों के दम पर ये सच हो सकता है। थैंक यू सर। बनाया कैसे आपने इसको? सबसे पहले हमने जो खजूर या छुआरे हैं उनके बीज लिए, उनको वॉश किया, उनकी फिनिशिंग करी, फिर उनको रोस्ट करके उनका पाउडर कर लिया और फिर हमारी कॉफ़ी पाउडर तैयार है। 1 kg की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी? 1 kg की प्रोडक्शन कॉस्ट 1,400 रुपीज़ अभी है और लेबलिंग और पैकिंग का जो है वो हमने अलग से जो डब्बे लिए हैं मार्केट से उनका हमने उसी में ऐड कर रखा है, 1,400 में इंक्लूडेड है वो। और जब हमें और इन्वेस्टमेंट मिलेगी और हमारी मशीनरी लग जाएंगी तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 300 रुपीज़ ओनली। और अभी अभी कितने में बेच रहे हो इसको? अभी हम 2,100 में बेच रहे हैं,
तब हम इसे 1000 में बेच पाएंगे, 1000 में 1 kg। कस्टमर कैसे लाओगे उसके लिए उसका प्लान बहुत आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा। 3 categories हैं, एक रेफरल मार्केटिंग, एक रिटेलर और एक D2C डायरेक्ट टू कस्टमर। कोई मार्केट ऑनलाइन सेल करना है या कोई फिजिकल स्टोर से आपने बात की है जो आपका प्रोडक्ट्स रखेंगे, आपने क्या प्लान किया है? कुछ जगहों पे कॉफी मना की जाती है कि कॉफी में एडिक्शन है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे स्कॉन टेम्पल हो गया, वहाँ पे हमने बात की थी तो उन लोगों ने कहा है कि आप हमें अपना सैंपल दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कितना मास प्रोडक्शन के लिए दे सकते हैं। तो अभी तक हम कितना बेचे हैं इसको? अभी तक हमने 2 kg सेल किया है। ये जो बीज हैं कहाँ से आते हैं, आप लोग कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? सो हम स्टार्टिंग में डेट्स लेते थे, लेने के बाद उनमें से सीड्स को अलग करते थे। फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट में कई सारे रिटेलर्स पूछा कि आपके जान पहचान में कोई ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीड्स देते हों। थोड़ा टाइम लगा लेकिन उन्होंने बताया मिल जाएंगे 80 rupees kg और 50 kg का पैकेट देते हैं। तो बीज का फ्लेवर सस्ते डेट्स का, एक्सपेंसिव डेट्स का, सबका फ्लेवर सेम आता है? आपने टेस्ट किया सारा? यस मैम, 9 के डेट्स होते हैं और 9 तरीकों के बीज हमने टेस्ट कर रखे हैं। तो अगले 6 महीनों के लिए आप लोग, व्हाट इज योर आस्क फाइनेंशियली, आपका क्या आस्क? 1,05,000। We want 55,000 for one time investment. 50,000 we will buy machinery, all the roasting machine and grinding machine and weighing machine. And the next 5,000 we will use it for trademark. And then remaining 50,000, अगर हमारी 0 sale हुई उस 1 month में, तब भी हम उस 50,000 में survive कर सकते हैं। और हमारी sale होगी तो हम आगे जितने भी आने वाले महीने हैं उसमें हम अपने revenue से आगे का काम चला सकते हैं। Okay. Production process इतना मुश्किल नहीं लग रहा है और इसमें कोई आपका कंट्रोल भी नहीं है कि आपके कोई पेटेंट हो या? सर, प्रोडक्शन प्रोसेस बताने में जितना आसान है वो करने में उतना मुश्किल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसको कॉपी भी कर सकता है कोई और? कोई भी इसको सीड प्रोडक्ट के रूप में बना के बेच सकता है। सर, रोस्टिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि अभी तक नॉट अ बैरियर टू एंट्री। ओके, अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है दूसरे के लिए, आपने ब्रेक कर लिया तो वो भी क्रैक कर लेगा। वैसे परेशान होने की इतनी बात भी नहीं है, कॉफी भी 5 ब्रांड्स की होती है। ब्रांड की जो अपनी कैपेसिटी होती है, ट्रस्ट होता है, वो भी एक बैरियर 20 क्रिएट करता है। यू शुड थिंक अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड। आई कुड गाइड यू विद दैट बिकॉज़ मेरा उसमें नॉलेज है काफी। देन आई विल हेल्प यू विद द मशीनरी, द इनिशियल आपका जो एक्सपेंस है 50,000 का, एंड हेल्प यू विद द ब्रांडिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। एक तो आपकी जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है, यस सर, कि हम कैसे, क्या हम रिटेलर के पास जाएं या हम डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएं? यहां पे अच्छे सवाल हैं आपके दिमाग में। आई कैन हेल्प यू टुगेदर विद मैम टू गेट थ्रू दैट, टू द बॉटम ऑफ दैट। लेकिन इसमें से जो 30-35,000 का खर्चा है वो मेरे को लग रहा है कि अभी आपको चाहिए। आई विल सपोर्ट यू फॉर दैट। 50,000 रुपये प्लस आपके मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए, आपकी मेंटरिंग के लिए तानिया आपको मदद कर रही है। 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग में आपकी मदद करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सपोर्ट यहाँ से मिल रही है। तो आई थिंक यू आर हैप्पी। ग्रेट, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। मिस्टिक डेज को अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स की तरफ से मिले हैं 85,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टिक डेज। जो हमें मेंटरशिप मिली है वो 85,000 की वैल्यू को और बढ़ा देती है, क्योंकि नीरज सर हमें मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करवाएंगे, नॉलेज देंगे, और तान्या मैम हमें यूटिलाइज करना सिखाएंगी कि मशीनरी कैसे कम से कम यूज करते हुए अपना प्रोडक्शन करें। I believe there is a challenge about how do you scale this business, because there is no barrier to entry really. But one of the biggest barriers they can build is a very strong brand. Whenever you think about healthy beverages, you could think about their brand, and that correlation, if can be established, could be a game changer. So congratulations, आपको आज investment भी मिल गया, mentoring भी मिल गई, guidance भी लगातार मिलती रहेगी। तो सब खुश हैं? Yes sir. मैं भी खुश हूँ इस बात से कि हमारे सामने, देश के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है ना, वो ये कि नौकरियाँ कहाँ से आएंगी। तो आज आप सब लोग मिलके इस बात का जवाब दे रहे हो कि आप लोग नौकरियाँ क्रिएट करोगे। yes, दिल्ली के स्कूलों में 3 लाख बच्चे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने जा रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। ये है वो शो जिसमें बच्चों के आइडियाज को मिलती है एक नई उड़ान, इन्वेस्टमेंट की उड़ान, जो करते हैं इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर्स। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का टैलेंट ला रहा है सबके सामने। ऐसे उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स जिनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा।
सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज़।